नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार के संकेतों में सुस्ती जरूर छाई हुई देख पाएंगे आप। एसडीएक्स निफ्टी करीब 30 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल 15,081 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ, वहीं जापान के निक्केई में भी करीब 150 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए फिलहाल लाल निशान के साथ ही करीब 40 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, अच्छी शुरुआत जरूर देखने को मिली, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद डाउ में गिरावट हावी होती हुई S&P और नैसडेक भी देखिए लाल निशान के साथ ही कल क्लोज होते हुए दिखे हैं। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जान लेते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, कैसे रहे वो भी समझ लेते हैं विस्तार से, सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत क्या हो गया, सुस्ती छाई है। गुड मॉर्निंग मानसी, सुस्ती छाई हुई है और हम देख रहे हैं पूरा हफ्ता ही कंसोलिडेशन कर रहा है, तो एक बार फिर से वैसा ही ट्रेड बन रहा है। कोई ऐसी भारी या बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, दायरे में ही कारोबार हो रहा है, पर हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बाजार नीचे फिसलते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह भी वैसी ही आपको पिक्चर दिखेगी, थोड़ी सुस्त क्यूज आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। जैनेट येलन के बयान आए हैं और अब वो पूर्व फेड चेयरमैन बट मोर इम्पॉर्टेंटली अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वित्त मंत्री हैं, और उनका कहना है कि एक और स्टिमुलस पैकेज की सख्त ज़रूरत है। अमेरिका की इकोनॉमी के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी दबाव बना हुआ है, जिसको ठीक करने के लिए एक नए स्टिमुलस पैकेज की बहुत ज़रूरत है। अगर इस स्टिमुलस से इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, फेड के पास बहुत सारे टूल्स हैं ये मैनेज करने के लिए, बट मोर इम्पॉर्टेंट है कि एक और स्टिमुलस पैकेज आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम जो बाजार का एक्शन रहा, एक सीमित दायरे में ही फिर से कारोबार होते हुए दिखा, बट जरूर रिकॉर्ड ऊंचाई से डाउ फिसला है, लगभग 120 अंक फिसल कर बंद हुआ 31,500 के नीचे। बट मोर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो दिन के निचले स्तर से 200 पॉइंट्स रिकवर होकर बंद हुआ है। टेक्नोलॉजी शेयर्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली का दबाव है और कल भी दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स पर एक बार फिर से प्रेशर बना, जिसकी वजह से नैसडेक में 0.5% की आपने गिरावट आते हुए देखी है। बेरोजगारी के दावे ये बढ़कर आए हैं, अनुमान 7,60,000 के करीब का था, ये दावे आए हैं 8,60,000 पर, यानी कि अनुमान से काफ़ी ज़्यादा, और ये एक ज़रूर चिंता का विषय है। एक महीने की ऊंचाई पर हैं ये दावे, तो वहाँ से बाजार के मूड पर थोड़ा दबाव पड़ते हुए दिखा है। इसके अलावा वॉलमार्ट, इसके कमज़ोर नतीजे आए और साथ ही जो गाइडेंस कंपनी ने दी है वो भी कमजोर रही, जिसकी वजह से शेयर 6% टूटा है। एनर्जी शेयर्स में भी हमने 2% की बिकवाली देखी, जिसकी वजह से बाजार पर दबाव बना रहा। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी का ही माहौल रहा, 1-1.5% तक यूरोप के बाजार कल फिसलते हुए दिखे हैं। कच्चे तेल में हमने देखा 13 महीने की ऊंचाई से कमजोरी आती हुई दिखी है, $63 के करीब ब्रेंट आ गया है, तो वहां पर प्रेशर बन रहा है। और साथ ही गोल्ड और डॉलर दोनों पर ही हमने कल दबाव बनते हुए देखा, गोल्ड और फिसला है अपने रिसेंट मल्टी मंथ लोज के। ओके, तो विदेशी बाजार में फिलहाल सुस्ती देखने को मिल रही है और इसका असर अब भारतीय बाजार पर कैसा पड़ता है ये समझना होगा। जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FISDIs का एक्शन एक बार देखिए, कैश मार्केट में तो FIIs की तरफ से खरीदारी आई है, वायदा बाजार में भी FIIs की खरीदारी के ही आंकड़े हैं, करीब 903 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में FIIs कर रहे हैं, वायदा बाजार में 2,434 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से, लेकिन कैश मार्केट में DIIs की 1,217 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार में FIIs की खरीदारी और कैश मार्केट में DIIs की बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने हैं। आगे बढ़ते और उतार चढ़ाव या कह सकते सुस्ती के माहौल में भारतीय बाजार पर क्या रणनीति आपको रखनी है ये जान लेते हैं। जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। गुड मॉर्निंग अनिल सर, विदेशी बाजार के संकेतों से तो गिरावट देखने को मिल रही है, भारतीय बाजार के लिए फिर आज क्या फोकस में रहेगा, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए नीचे की तरफ बाजार आज भी संकेत अच्छे नहीं है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, तो कुछ अहम लेवल हैं जिन पर नजर रखनी है। तो दिन के दौरान अगर 14,950 तो फिर कमजोरी के संकेत कन्फर्म होते हुए दिखेंगे कि आपके अब 15,400 हाई बना दिन पहले वो बेसिस पर भी अगर हम 15,000 नीचे आज बंद होते हैं तो फिर थोड़ा अगले हफ्ते के लिए समस्या बन सकती। तो सपोर्ट जोन हम आ चुके हैं जो 14,975 से लेकर 15,065 की रेंज का है निफ्टी पर, और आज होल्ड होता बाजार के लिए अच्छा है। इस तौर पर बाजार के लिए लगातार सेलिंग प्रेशर जाता हुआ दिख रहा है, तरफ से बिक्री का प्रेशर आ रहा है, तो मैं ये समझना है कि 215,240 रुकावट का लेवल है, अगर इसे
15,000 लेकिन आज के लिए जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए 15,200 बैंक बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, जिस तरह से 35,750 के नीचे बंद हुआ है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर दबाव बढ़ने की आशंका है। 35,836 अभी ये फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए भी निकल कर आ रहा है और ऊपरी स्तरों पर 36,900 लेवल है, इससे पार करने के बाद बैंक निफ्टी में फिर से आपको ताकत दिखेगी। तो कमजोर शुरुआत अगर होती है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर नजर रखिए, यहाँ से एक संभावना है कि थोड़ी सी आपको बाउंस मिले, हल्की खरीदारी मिले, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जैसे जैसे उछाल आता है थोड़ा सा पोजीशन हल्की करने की सलाह होगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, ज्यादा क्लियर कट व्यू के साथ बाजार मूल्य कर पाएंगे, तो दोनों तरफ से मिल सकते हैं। जैसे कि आप पिछले दो ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं, कमोबेश आज भी रहेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों साइड के मूव्स देखने को मिल सकते हैं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, हर स्ट्रैटेजी को ध्यान से फोकस पर रखिएगा। सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 14,975 से 15,065 की होगी, ऊपरी स्तर 15,200 से 15,240 के, बैंक निफ्टी 35,800 से 36,100 इसे सपोर्ट जोन के तौर पर मानकर चले और 36,900 से 37,100 बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए ऊपरी रेंज होगी। तो यह पहली स्ट्रैटेजी आज के लिए आपकी, और साथ ही विदेशी बाजार से संकेत जो आ रहे हैं इन्हें ध्यान में रखते हुए हर स्ट्रैटेजी पर फोकस जरूर कीजिएगा। खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं, खबरों के दम पर ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है आज? महिंद्रा सीआई के नतीजे आएंगे कैश मार्केट से, शिवाजी जयंती है आज इसलिए आप ध्यान रखिए, करेंसी मार्केट्स तो बंद है, साथ ही बैंक हॉलीडे भी है तो आज सेटलमेंट्स नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन है, स्पाइस जेट 24 नई उड़ाने शुरू करने वाला है और टाटा स्टील पाटलिपेट शेयरों की आज रिकॉर्ड डेट है। अंबुजा सीमेंट स्टैंड अलोन नंबर्स आए, इनके ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं इसलिए चौथी तिमाही के नतीजे थे, अनुमान से बेहतर रहे नतीजे, सेल्स में 12% की बढ़त देखी है, कामकाजी मुनाफा 40% बढ़ कर आया, मार्जिन यहाँ पर लगभग 5% बड़े हैं और मुनाफे में भी आपने 9% की बढ़त देखी है। रेलटेल कल आईपीओ बंद हुआ, 42.4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन रहा, जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन लगभग 17 गुना भरकर आया है। डाबर आज यहां पर प्रमोटर्स ब्लॉक डील के जरिए कुछ हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, 28 लाख शेयर्स की बिकवाली होगी लगभग 460 करोड़ रुपए के, जो फ्लोर प्राइस है जो या जो प्राइस रेंज है वो 2% के डिस्काउंट पर हो सकती है। ऑयल इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया और बीपीसीएल, इस पर नजर रखिए, ऑयल इंडिया और ईआईएल ने एक कंसोर्शियम बनाया है जो कि बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 61% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सकता है, दोनों कंपनी के बोर्ड ने ये बोली लगाने के लिए मंजूरी दी है। एनएमडीसी 2.5 साल के बाद डोनीमलाई माइंस फिर से शुरू हो गई तो कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर बोर्ड ने इक्विटी के जरिए पूंजी 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने को मंजूरी दी है। एसीसी और अंबुजा, इन दोनों ने अपना मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट 3 सालों के लिए रिन्यू कर दिया है, जहां पर एक दूसरे को वो सप्लाई करते हैं एक डिस्काउंट पर। टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जो डेटा है वो तो आपने बता ही दिया है, इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑक्शंस के लिए तीनों कंपनीज ने एक पूंजी जमा करी है लगभग 13,500 करोड़ रुपए की, जिसमें जियो ने 10,000 करोड़ डिपॉजिट किए हैं, एयरटेल ने 3,000 करोड़ और वोडाफोन आइडिया ने 475 करोड़। और फाइनली ONGC भी फोकस में रहेगा, पवन हंस के विनिवेश के लिए कई बोलियां मिली हैं, ये सब डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी का कहना है और अब इस प्रोसेस की नई प्रक्रिया शुरू होगी। याद रखें ONGC की पवन हंस में 49% हिस्सेदारी है। ओके दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत बताने के लिए। चलिए अब आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स बताते हैं, कई सारी ट्रेडिंग कॉल्स हैं, शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग से करते हैं। MNM के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय है, 865 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 916 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज की राय GNFC और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर GNFC में खरीदारी कीजिएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस 228 का मेंटेन कीजिए, 246 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की राय बन रही है। और साथ ही HPCL यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं, 238 के स्टॉप लॉस को मानकर चलें, 254 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और साथ ही टाटा पावर, दोनों पर ही इनकी खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर देखें 244 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 229 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी कीजिएगा। और साथ ही टाटा पावर में भी बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है, 98 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए, 91 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा।
और बाजार पर आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये जानने के लिए हमने बात की कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान से। उनकी रिकमेंडेशन अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन टाटा केमिकल्स पर दी है। यहाँ पर खरीदारी की राय है। श्रीकांत जी का मानना है 580 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप चलते हैं 610 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। एस्कॉर्ट्स में भी इनकी तरफ से खरीदारी की ही राय आती हुई दिखी है। 1410 ये टारगेट को मानकर चले, 1350 इसका एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो टाटा केमिकल्स साथ ही स्कॉट्स दोनों पर ही खरीदारी की राय श्रीकांत चौहान की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए अब एक बार विदेशी बाजार के संकेत फिर से देख लेते हैं। एशियाई बाजार में क्या हाल है एक बार समझ लेते हैं। 15092 के स्तर पर यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। अभी लाल निशान यहाँ हावी होता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर है, निकाई में भी लाल निशान के साथ फिलहाल ट्रेड, और डाउ फ्यूचर्स में भी फिलहाल हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति क्या होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती अब जुड़ गई हैं। वंदना जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आज के लिए बुलियन मार्केट पर आपका नजरिया क्या है जानना चाहेंगे। जी मानसी, जिस तरीके से गोल्ड में एक करेक्शन फेज आ रहा है बुलियन काउंटर में, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू होगा। इंटरनेशनल मार्केट में से 1770 डॉलर का एक सपोर्ट को तो ब्रीच किया है, और मुझे लग रहा है कि घरेलू बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक बार 45,800 से 45,700 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बुलियन काउंटर में गोल्ड हो या सिल्वर हो, यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग में ही लोगों को रहना चाहिए। तो बिकवाली की रणनीति अपना कर चल सकते हैं आप गोल्ड और सिल्वर के लिए, जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इन्हीं के चलते घरेलू बाजार में लाल निशान के साथ 46,145 के स्तरों पर गोल्ड कर रहा है ट्रेड। कच्चे तेल पर आपकी राय क्या होगी वंदना जी। यहाँ पे मानसी मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन आज के दिन में आना चाहिए। रीजन भी है लगातार 3900 हम लोगों ने ऊपर का मूव देखा है, 4500 तक के मूव आते हुए देखे हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, आज के दिन में थोड़ा सा लाइन अप होंगे वीकेंड का कह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कच्चे तेल में भी बिकवाली करनी चाहिए और 4400 के करीब यहाँ पे सेल करना चाहिए, 4300 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना होगा 4450 का। बिल्कुल वंदना जी शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन में बताने के लिए। तो ठीक इक्विटी मार्केट्स की तरह ही हम देख रहे हैं कमोडिटी में भी सुस्ती का माहौल है, इसी के चलते कच्चे तेल और साथ ही गोल्ड में बिकवाली की रणनीति वंदना जी की तरफ से। या ब्रोकरेज एक्शन समझ लेते हैं FIR में सृष्टि से। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास। गुड मॉर्निंग मानसी, नतीजों के बाद आज अंबुजा सीमेंट्स पे रिपोर्ट है। हालांकि नतीजे अनुमान से काफी अच्छे थे पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में किसी ने भी लक्ष्य में बदलाव नहीं किया है। मॉर्गन स्टैनली ने इस पे ओवरवेट रेटिंग के साथ 300 के टारगेट्स दिए हैं, वहीं मैक्वायरी ने भी आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 300 के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं, और इस लिस्ट में सबसे कम टारगेट्स हैं नोमेरा के जिन्होंने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 265 के टारगेट्स दिए हैं। दूसरी रिपोर्ट है ACC सीमेंट पे, जिसपे आज अंबुजा सीमेंट से ही जुड़ी हुई खबर है कि इनके बोर्ड ने जो इनसे मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट है उसको मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद दो रिपोर्ट्स आई हैं, क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2000 के अपने लक्ष्य बरकरार रखे हैं, और दूसरा नोमेरा ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 1930 के टारगेट्स दिए हैं।